ओके okay. सो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 300 वर्ड्स का एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जिसके लिए आप टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टूल्स, मॉड्यूल्स, टेबल्स, अपने प्रोग्राम के अंदर में जितने भी टेबल्स हैं, सिनॉप्सिस में मेंशन है नंबर ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स के सारे नाम आपको याद होने चाहिए. एंड उसके बाद है फ्यूचर स्कोप एंड फ्यूचर स्कोप. फ्यूचर स्कोप ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट में आफ्टर सम टाइम वी कैन ऐड मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल टेबल्स, है ना. ये मॉड्यूल्स भी मैं बहुत सारे ऐड कर सकता हूँ, टेबल्स भी बहुत सारे ऐड कर सकता हूँ. तो ये मेरा फ्यूचर हो गया. पेमेंट गेटवे भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर में, मतलब इट मेक मोर पोर्टेबल, मेक इट मोर सिक्योर. दिस इज माई फ्यूचर स्कोप. तो आपको 200-300 का एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, क्योंकि तो जैसे ही जाओगे आप तो आपसे ये पूछ सकते हैं, हाँ टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ क्या तुमने बनाया है. तो ये जो मैंने आपको कंटेंट बताया है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टूल्स, मॉड्यूल्स, टेबल्स एंड फ्यूचर स्कोप, ये आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको सिनॉप्सिस में. तो उससे आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को निकाल के जो आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन देनी है. राइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये आपका है यहाँ पे कि राइट अ जेनरिक रीजन. राइट, आपको लिखने के लिए तो वहां कुछ बोलेगा नहीं, बट मैं आपको लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक अपने एंड से ना प्रिपेयर हो जाओ कि इस प्रोजेक्ट का के बारे में, कि प्रोजेक्ट में आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया है, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट है, किसी का स्टॉक कीपिंग मैनेजमेंट है, किसी का ई शॉपिंग है, तो वो बेसिकली आपने क्यों लिया, व्हाई नॉट यू सेलेक्ट अनदर टाइटल, व्हाई यू सेलेक्ट दिस टाइटल. तो आपको एक छोटा सा रीजन अपने भी हाथ पे आपको तैयार करना है कि सर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था इसमें, डिजिटल मार्केटिंग का काफी चल रहा है इस टाइम पे, कोई भी कंपनीज होती है सर तो अपने डिजिटल मार्केटिंग कराती है, या ई शॉपिंग का भी काफी ज्यादा क्रेज है इस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग दिस टाइटल, या फिर मेरे फैमिली बिजनेस है, यार कुछ भी आप बता सकते हो रीजन कि आपने ये टाइटल क्यों सेलेक्ट किया. ये बिहाफ ऑफ यू आपको कोई भी एक आंसर सेलेक्ट करना है, आंसर आपको सोच के रखना है ताकि आप उनको बताओ. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि आप राइट द जेनरिक रीजन टू सेलेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड. हो सकता है जैसे तुमने यहाँ पे बोला ना कि सर टूल्स प्लेटफॉर्म में आई हैव यूज फ्रंट एंड एज ASP.NET एंड बैक एंड एज SQL सर्वर, तो आपसे यही से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई यू सेलेक्ट फ्रंट एंड एज ASP.NET एंड बैक एंड एज SQL सर्वर, व्हाई नॉट यू सेलेक्ट जावा और SQL आपने क्यों नहीं किया. तो देखो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फ्रंट एंड हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है ASP.NET, वो बेसिकली हमें आज के सिनेरियो में जो हमारे पास में है, जो हमारे जो मार्केट में डिमांड है वो सबसे ज्यादा है. यानी कि अगर आपको .NET आती है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि सर इस टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा .NET की डिमांड्स हैं, जॉब .NET पे काफी जॉब्स हैं हमारे पास, इस वजह से हम लोगों ने ये लिया है जिसका नाम है ASP.NET. ASP.NET ये हमारी टेक्नोलॉजी है. और लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, C#. C# इज अ लैंग्वेज. तो C# क्या है, तो C# इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C, सॉरी C++ एंड जावा. इट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके एंड कॉम्बिनेशन ऑफ C++ एंड जावा. तो हम लोगों ने C++ भी पढ़ा है एंड जावा भी पढ़ी है, और हमें पता है कि C++ और जावा दोनों रॉबस्ट लैंग्वेजेस हुआ करती हैं, अभी भी हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर सेलेक्टिंग ASP.NET. और यहाँ पे ASP.NET का फुल फॉर्म क्या हो गया है, एक्टिव सर्वर पेजेस. दिस इज ASP.NET एंड C# इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड देन उसके बाद वो पूछ सकते हैं आपके आपके बैकएंड के बारे में कि बैकएंड क्या यूज किया है तुमने, तो बैकएंड के बारे में बताओगे सर बैकएंड हमने यूज किया है MS SQL सर्वर. MS मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर. SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो बैकएंड लेने का रीजन ये था कि सर हम लोगों ने RDBMS भी पढ़ी है, DBMS भी पढ़ी है, तो और आई नो अबाउट दैट, तो इसलिए हम लोगों ने MS SQL सर्वर यूज किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जो ASP.NET है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट की है, तो दोनों की कॉम्पेटेबिलिटी अच्छी थी, दैट्स व्हाई वी सिलेक्टिंग इस फ्रंट एंड एज अ ASP.NET एंड बैक एंड एज अ SQL सर्वर. ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट कैटेगरी, तुम्हारे प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है। तो बेसिकली जो कैटेगरीज होती है वो डेटाबेस के अकॉर्डिंगली होती है। तो हम लोगों ने कौन सी कैटेगरी यूज, डेटाबेस कौन से यूज करी है, एमएस एसक्यूएल सर्वर। तो एमएस एसक्यूएल सर्वर के बिहाफ पे एमएस एसक्यूएल सर्वर की दो कैटेगरीज होती है, एक डीबीएमएस होती है, एक आरडीबीएमएस होती है। तो हमारी जो कैटेगरीज है वो आरडीबीएमएस है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन यूज किया है। जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं ना तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं आरडीबीएमएस, क्योंकि आरडीबीएमएस के अंदर में यूज होता है नॉर्मलाइजेशन, आरडीबीएमएस के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन यूज होता है, डीबीएमएस के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं यूज होता है, नॉर्मलाइजेशन ये हमारा आरडीबीएमएस की वजह से ही होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट कैटेगरी इज आरडीबीएमएस, ये यूज किया है। डीबीएमएस इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि डीबीएमएस क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन, सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ वहां पे हम लोग ना डेटा को स्टोर करके मेंटेन करते हैं, लाइक हम लोगों ने एक बार क्रिएट कर दिया तो जो उसको यूज करेगा वो करेगा डीबीएमएस। हम लोग को इस बार क्रिएट करना है ना, तो जब हम क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड इट्स बेनिफिट। तो जैसे देखो आरडीबीएमएस की बात, देखो क्या होता है जब आप कोई भी आंसर को डिलीवर करते हो ना तो उस आंसर पे के बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि आरडीबीएमएस के बारे में बोला, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोल दिया या आरडीबीएमएस के बारे में बोला, तो आपसे आरडीबीएमएस के बेनिफिट्स पूछेंगे। या जैसे तुमने नॉर्मलाइजेशन बोला तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो उस केस में आपको क्या बताना है, अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज आरडीबीएमएस, तो बोलना सर आरडीबीएमएस इज अ डेटाबेस टेक्निक, हाँ इट इज डेटाबेस टेक्निक दैट इज यूज टू नॉर्मलाइज normalize our table, our database table and use keys concepts. keys concepts कौन कौन से use कर सकते हो आप इसके लिए, एक तो primary key नाम सुना होगा आप लोगों ने, foreign key है ना, super key, ये सारे कीज के कॉन्सेप्ट हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर में ही यूज करते हैं। यूनिक की, ठीक है, तो ये सारी जो कीज होती हैं वो बिकॉज ऑफ आरडीबीएमएस होती हैं, इसी वजह से हम लोगों ने सर आरडीबीएमएस यूज किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है तुम सबका वो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, ये इसके अंदर में हम लोग का आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर, यानी कि वन नोड इज क्लाइंट, अनदर नोड इज सर्वर। तुम्हारे जो पेजेस हैं वो सर्वर पे स्टोर्ड है। तो इस केस में जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है वो टू टायर है, टू टायर आर्किटेक्चर। एक नोड तुम्हारा हो गया है ना, क्लाइंट नोड हो गया, और दूसरा नोड कौन सा हो गया, सर्वर नोड। टू टायर का जो अनदर नेम है, टू टायर का अनदर नेम है क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट तो ठीक है, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, हमारे चार टायर्स होते हैं, सिंगल, टू, थ्री और एन, ठीक है। तो जब से पहले आपका टू में रहेगा, टू टायर आर्किटेक्चर पहला होगा, उसके बाद ही वो थ्री में और एन में हो सकता है कन्वर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैव टू बी ना सेकेंड एन ऑफ सेकेंड टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर का मतलब क्या हो गया, एक नोड क्लाइंट हो गया, दूसरा नोड सर्वर हो गया। अब हम दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए थ्री टायर यूज करते हैं, यानी कि हम लोगों ने सर्वर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपके केस में क्या है, पहले वो टू टायर आपको बताना है, देन उसके बाद थ्री टायर बताना है, ठीक है। कि पहले सर वो टू टायर में हमने कन्वर्ट किया, यानी कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो टू टायर आर्किटेक्चर बेस्ड होता है, लेकिन हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए, इजी यूज करने के लिए हमने थ्री में यूज किया है। थ्री में कैसे होगा, एक नोड हो गया यूजर का, और जो मेरा सर्वर है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने सी शार्प के पेजेस को हम लोगों ने अलग रखा है और डेटाबेस को अलग रखा है। तो ये हो गया थ्री टायर, गॉट माय पॉइंट।
यानी कि एएसपी डॉट नेट के जो पेजेस हैं तुम्हारे, ये वाले जो एएसपी डॉट नेट के पेजेस हैं, ये पेजेस वो अलग सर्वर पे होंगे राइट, और यानी कि ये वाला फ्रंट एंड पूरा हो गया एक सर्वर पे, और जो तुम्हारा बैक एंड एस्को सर्वर है वो दूसरे सर्वर पे, और एक नोड जो उसको एक्सेस कर रहा है, तो हो गया थ्री टायर। लेकिन अगर ये दोनों एक जगह हो गए, यानी कि एएसपी डॉट नेट के पेजेस एंड डेटाबेस एक जगह हो और एक नोड क्लाइंट का जो उसको एक्सेस करे, उसको कहेंगे टू टायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू टायर में था, देन उसको आपने थ्री टायर में कन्वर्ट किया राइट, तो आपके प्रोजेक्ट का, आपके प्रोजेक्ट में जो हो जाएगा वो आप बोल सकते हो सर इट हैज बीन अ टू टायर देन कन्वर्ट इनटू थ्री टायर आर्किटेक्चर, दोनों में है। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस। तो आपको मैंने बताया था कि आरडीबीएमएस के अंदर में नॉर्मलाइजेशन यूज होती है, यानी कि ये बेसिकली आरडीबीएमएस जो है ना, आरडीबीएमएस जो है वो होता है डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पढ़ा था ना पहले, डेटा को डिफाइन करता है ना, जहां पे नॉर्मलाइजेशन यूज होती है। और जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये दोनों में ही डिफरेंस है, ये डेटा को डिफाइन करता है, यानी डिफाइन जहां होगा वो नॉर्मलाइजेशन यूज होगा, और डीबीएमएस क्या होता है, मेंटेन का काम करता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द वेबसाइट, तुमने जो वेबसाइट बनाई, अभी तुम बना रहे हो, तुम डेवलपर हो, तो तुम जो यूज करोगे टेक्निक वो यूज करोगे डीडीएल का, यानी कि डेटा को डिफाइन करोगे कि हाउ मेनी टेबल्स, टेबल्स कितने नॉर्मल फॉर्म में होगा वगैरह वगैरह। जब ये तुम बना लोगे पूरी तरह से, तो उसको मैनिपुलेशन का काम करोगे, दिस इज कॉल्ड डीबीएमएस एंड डीबीएमएस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसपी और एएसपी डॉट। तो बेसिकली एएसपी है ना एक्टिव सर्वर पेजेस, जो मैंने आपको बताया वो अलग है, ये एक क्लासिक लैंग्वेज है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सर्वर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इट इज क्लासिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वेबसाइट, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए यूज होता है एएसपी, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग सिर्फ पेजेस को बनाते भी हैं और डिजाइन भी करते हैं। लेकिन जब हम एएसपी डॉट नेट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्टिव सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी एएसपी क्या हमारा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। अगर मैं एएसपी की बात करता हूँ, एएसपी डॉट नेट की बात करता हूँ, तो ये क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू डिजाइन वेब पेजेस। समझ में आ गई बात, हाँ। ये बेसिकली हम पेज को डिजाइन भी कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें आ रही है, डिजाइन भी आ रही है और डेवलपमेंट भी आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, है ना। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, एएसपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है राइट, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई और ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉर अ वेबसाइट, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ टेक्निक टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। टेक्निक reduced data redundancy, यानी duplication को हटाने का तरीका है। And form of normalization की बात अगर हम कहते हैं, तो कौन कौन से normal forms होते हैं, first होता है, second होता है, yes, third होता है, then उसके बाद BCNF का full form क्या होता है, normal, हाँ, boys code normal form।
उसके बाद फोर्थ नंबर, फोर्थ होता है, देन फिफ्थ होता है ना। वैसे एन नंबर ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया है। वो यहाँ पूछेगा आपसे कि अप टू विच नॉर्मल फॉर्म यू हैव नॉर्मलाइज, तुमने अपने टेबल फॉर्म में कितने नॉर्मल फॉर्म यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें बताना है अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आई हैव यूज्ड अप टू थर्ड एन अप, अप टू थर्ड एन अप। तो इसमें थर्ड एन अप तक तुमसे पूछ सकते हैं, तो अपने टेबल्स के अकॉर्डिंगली एक बार देखना होगा तुम्हें कि जिसमें देखो कोई भी हमारा टेबल फर्स्ट में नहीं है, सारे टेबल्स हमारे थर्ड सेकंड और थर्ड में हैं। जिसमें जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी की है वो सेकंड में है, और जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों है वो थर्ड में है। तो अपने टेबल को स्टडी करना आफ्टर क्लास, अपने टेबल्स वगैरह को देखना, उसमें देखना कि अगर एक प्राइमरी की है तो वो सेकंड में है, और जो जहां पे दो यूनिक नजर आए है ना, एक प्राइमरी के साथ दूसरा यूनिक नजर आ रहा हो तो वो आपका थर्ड एनएफ में होगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन कौन से फर्स्ट में है, कौन से थर्ड में है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट्स फीचर्स एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ये दोनों पूछ सकता है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। क्योंकि जब आप यहाँ क्वेश्चन है आपसे बोलोगे ना कि सर आई हैव यूज ASP.NET C# एंड C# इज अ ऑब्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हो सकता है यही तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा बताओ मुझे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो आपको बताना होगा कि सर इट इज अप्रोच, इट इज एन अप्रोच टू डिजाइन अ प्रोग्राम विद रॉबस्ट पोर्टेबल मोर सिक्योर एंड वगैरह वगैरह, जहां पे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, है ना। तो इसके फीचर्स के बारे में पूछेगा, तो एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। एंड ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एन रियल वर्ल्ड थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात अगर हम कहते हैं तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग इज, हाँ सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और अगर क्लास की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आप एक बार देख लोगे। ऑलराइट, वैसे तो ज्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता उनका कि कहां से उनका दिमाग में ये चीजें आ जाएं और वो सब तुमसे ये ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में ही पूछ लें और तुमसे कुछ ना पूछें। तो मेक श्योर कि आपको बताना होगा, पढ़ना पढ़ लेना इसके लिए फीचर्स, इसके कि जो सबसे फीचर्स है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ADO एंड ADO.NET। तो ADO बेसिकली क्या है, अगर मैं ADO की बात करता हूं तो दिस इज स्टैंड्स फॉर, ADO स्टैंड्स फॉर ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट, ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट। एक्टिव एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स का मतलब हो गया कि कनेक्ट करने वाला, राइट। और डेटा ऑब्जेक्ट, इट्स अ बेसिकली इट इज अ डेटाबेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट आर फ्रंट एंड टू बैक एंड। जो आपने फ्रंट एंड यूज किया है ASP.NET और बैक एंड यूज किया SQL सर्वर, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट आवर फ्रंट एंड टू विद बैक एंड, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई ADO और ADO.NET के बारे में डिफरेंसेस। तो अगर आपको, हम लोगों ने बेसिकली जो यूज किया है ना वो किया है ADO.NET, हम लोगों ने ADO यूज नहीं किया है। तो ADO के अंदर क्या होता है, इट यूज
रिकॉर्ड सेट, ये रिकॉर्ड सेट यूज करती है पहला। दूसरा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड यूज करती है, इट यूज रिकॉर्ड सेट। और दूसरा, इट यूज कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एवरी टाइम इट इज इट कनेक्ट टू डेटाबेस एवरी टाइम। लेकिन अगर हम एडियो डॉट नेट की बात करते हैं जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, क्योंकि डॉट नेट यूज किया है ना, तो हमारे पास एडियो डॉट नेट आ गया। तो एडियो डॉट नेट के अंदर में क्या है, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड सेट यूज कर रहे हैं, सॉरी डेटा सेट यूज कर रहे हैं। दिस इज रिकॉर्ड सेट का मतलब हो गया सिंगल टेबल। एक रिकॉर्ड को, बहुत सारे रिकॉर्ड को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक टेबल ही तो रिप्रेजेंट होगा ना। लेकिन अगर आप डेटा सेट की बात करते हो तो यू कैन क्रिएट अ डेटा सेट, तो मतलब मल्टीपल टेबल को एक डेटा सेट में यूज कर सकते हो। सपोज कल तुम्हारे पास में 10 टेबल है, तो 10 टेबल के लिए तुमने क्या किया, एडियो डॉट नेट के अंदर में तुम लोगों ने एक ही बनाया, राइट? रिकॉर्ड सेट तुमने डेटा सेट एक ही बनाया, तो वह मेमोरी वेस्टेज नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये यूज करते तो हम 10 टेबल्स के लिए 10 रिकॉर्ड सेट लेते, तो 10 टाइम्स मेमोरी में रिकॉर्ड सेट लोड होता, इट विल टेक मोर टाइम और मोर स्पेसेस इन डेटाबेस कंपेयर टू दिस। दूसरा, इट यूजेस कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि एवरी टाइम तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टोर रहेगा इसमें, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे मेमोरी वेस्ट होगी, है ना, एक प्रोसेस वेस्ट होगा। लेकिन ये क्या है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस मतलब मोबाइल, हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्शन लेस है, टेक्निक यूज करता है, यानी कि जब फोन आएगा आपके पास तो वो कनेक्ट होगा, है ना, उससे पहले वो स्टैंड बाई मोड में है। और इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो लैंडलाइन, एमटीएनएल का लैंडलाइन। एमटीएनएल का लैंडलाइन होता है, क्या होता है उसमें, आपने देखा होगा एवरी टाइम कनेक्ट होता है ना, एवरी टाइम कनेक्टेड होता है ना। आप फोन उठाओ, देखना उसमें उसमें लाइक लाइन जा रही है, यानी कि उसके लिए एमटीएनएल के लिए आपको हर लाइक सोसाइटी में कुछ रेंज पे, कुछ कनेक्शंस पे उनको एक वो एक्सचेंज बनाना होता है जिसे वो मेंटेन करते हैं। लेकिन मोबाइल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है ना, उन्होंने एक टावर लगा दिया जो कि 10 और 20 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं? हाँ हाँ आ गया, आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यूज किया है एडियो डॉट नेट। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, ये तो पता होगा, क्या होता है, हाँ, तो जैसे मान लो तीन चीजें होती है ना, प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल, कैन नॉट बी डुप्लीकेट, कैन नॉट बी चेंज, एंड अ सिंगल प्राइमरी विद अ सिंगल टेबल। लेकिन यूनिक की में क्या होता है, यूनिक की में वैल्यू नल हो सकती है एक, वैल्यू चेंज हो सकती है एक, और एक से ज्यादा हो सकती है, यानी कि प्राइमरी की एक ही होगी एक टेबल के अंदर में, यूनिक की एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड कंपोजिट की। फॉरेन की मतलब प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज डिपेंड्स ऑन अनदर टेबल ऑफ अ सेम की, इज कॉल्ड फॉरेन की, है ना। और कंपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिट में क्या हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू कीज टू फाइंड अ रिलेशन और टपल्स और रिकॉर्ड्स, है ना। कंपोजिट की जैसे फॉर एग्जांपल योर एनरोलमेंट नंबर प्लस प्रोग्राम कोड इज इक्वल टू ग्रेड कार्ड। जब आप ग्रेड कार्ड देखते हो तो आप दो कॉम्बिनेशन डालते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर भी डालते हो और वो भी डालते हो, अपने प्रोग्राम कोड को भी डालते हो। तो मतलब किसी भी रिलेशन को अगर निकालने के लिए मुझे एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे कंपोजिट की, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू कीज। और फॉरेन की क्या हो गया, फॉरेन रिलेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि तुम्हारे एग्जाम शीट से जा रहा है, जब तुमने एनरोलमेंट नंबर डाला तो वो जाएगा और जाने के बाद वो टर्म एंड से तुम्हारी इंफॉर्मेशन को फेच करेगा और इंफॉर्मेशन को फेच करके लेकर आएगा। तो तुम्हारा जो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है वो दूसरे टेबल में जाके उस एनरोलमेंट नंबर पे से रिलेशन क्रिएट कर रहा है, फॉरेन रिलेशन क्रिएट कर रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल में, जिसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं,
गॉट इट? हाँ, व्यू। हाँ, व्यू में भी यही होता है, जब हम वहां से फेच करते हैं डेटा को तो व्यू के अंदर हम स्टोर करा देते हैं, बट हम फेच करते हैं तो फॉरेन रिलेशन के थ्रू ही फेच करते हैं। नाउ द 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटिटी एट्रीब्यूट कार्डियलिटी बिहाफ ऑफ ईआर डायग्राम। तो एंटिटी किसको कहते हैं? टेबल को। अपने ईआर डायग्राम को देख लेना, इसमें एंटिटी इज कॉल्ड टेबल, कॉल्ड टेबल। टेबल को हम एंटिटीज बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं? कॉलम नेम ऑफ टेबल, है ना? एट्री ब्यूट्स कॉलम नेम, नेम ऑफ टेबल। और कार्डिनलिटी क्या होती है? टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द टेबल, ना? वन टू वन देखा होगा, वन टू वन। यस, दैट इज, दिस इज कॉल्ड कार्डियलिटी। तो ये तुम्हें ईआर डायग्राम के बिहाफ पे तुमसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि एट्रीब्यूट कैसे, देखा होगा आप एट्रीब्यूट जो स्क्वायर में होते हैं वो एट्रीब्यूट, वो होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं, सॉरी जो ओवल शेप में होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं, जो स्क्वायर में होते हैं वो एंटिटीज होते हैं, है ना? वो तो आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह से होते हैं ना, जो आ गया शेप ये वाला, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड एंटिटी। यानी टेबल में देखोगे इस तरह से एंटिटीज होते हैं, इस तरह से जो भी इसमें मिलेगा आप समझ लेना कि एंटिटीज हो गई, और जो एट्रीब्यूट होंगे वो ओवल शेप में इस तरह से एट्रीब्यूट में आएंगे, ये इस तरह से, है ना? और जो कार्डिनलिटी होगी वो टाइप ऑफ रिलेशन होगी दो टेबल के बीच में, यानी कि दो एंटिटीज के बीच में एक होगा, जैसे कि वन यूनिवर्सिटी हैज मेनी कोर्सेज, तो वन टू मेनी हो गया, है ना? एक कंपनी है जो बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट को देख रहा है, वन टू मेनी हो गया। मेनी कस्टमर्स हैं, मेनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, मेनी टू मेनी हो गया, है ना? तो उस तरह से चार रिलेशंस बनती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियलिटी। और एक होता है मेनी टू वन, मेनी टू वन, और एक हो गया मेनी टू मेनी। ये चार तरह के रिलेशंस के बारे में आपसे पूछ सकता है ईआर डायग्राम के बिहाफ पे। अब क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज वीक एंटिटी, विद एन एग्जांपल कुछ पूछ सकते हैं। वीक एंटिटी किसको बोलते हैं? एन एंटिटी, एन एंटिटी। हाँ, नहीं, नॉर्मल से एक चीज ही बताना है आपने, एन एन एंटिटी विच हैज नो प्राइमरी की। ठीक है, जो ऐसी, ऐसा कोई टेबल हो जिसमें कोई प्राइमरी की नहीं होगा उसको हम लोग वीक एंटिटी बोल सकते हैं, है ना? और वो जब वीक एंटिटी होगा तो किसी और पे डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? जैसे कि शॉपिंग पोर्टल के अंदर में फीडबैक होता है ना? फीडबैक तो नेसेसिटी नहीं होती है ना हमारी, कि हम खरीदने के बाद हम फीडबैक दें या ना दें, तो दैट टेबल इज वीक एंटिटी, उसमें कोई प्राइमरी की नहीं होती है। हम दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई वी यूज मॉडल एंड इट्स बेनिफिट। मॉडल, मॉडल का मतलब वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, है ना? तो मॉडल प्रोवाइडेड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मॉडल प्रोवाइड अस वेल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, साइकिल टू डेवलप प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रोग्राम। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा यूज किया है? वाटरफॉल मॉडल, है ना? एंड वी यूज वाटरफॉल मॉडल, तो आई यूज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का दूसरा नाम क्या है? लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है,
आपको पता ही है, वेल फॉर्मेट देता है, इसके बिना हम प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग को वाटरफॉल मॉडल लेना ही होता है या स्पाइरल मॉडल, कोई एक ना तो एक में एक तो लेंगे ही लेंगे। तो हैव यू यूज मॉडल? यस हमने किया है। कौन सा यूज किया है? वाटरफॉल मॉडल हमने यूज किया है। एंड राइट समथिंग अबाउट व्हाई यू सेलेक्ट दिस। क्यों देखो, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जब भी आप कोई वाटर मॉडल लेते हो तो आपका एक उसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जिसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा, डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल, एंड राइट द अनदर नेम ऑफ स्पाइरल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। तो मैंने ऊपर तो लिखवा दिया है आपको कि वाटरफॉल का दूसरा नाम क्या है, लीनियर, और स्पाइरल का इंक्रीमेंटल मॉडल। देखो वाटरफॉल में दोनों में, हाँ इंक्रीमेंटल। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कस्टमर का फीडबैक सपोर्ट नहीं करता। इसकी बात अगर हम करें, इट कैन नॉट सपोर्ट कस्टमर फीडबैक। मतलब क्या कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि आई वांट टू ऐड न्यू मॉड्यूल हियर, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर का फॉल होता है ऊपर से लेके नीचे तक। वो बीच में कभी भी अगर आप डेवलपमेंट में आएगा और वो कहेगा कि आई वांट टू ऐड न्यू मॉड्यूल, तो आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिंगल पर्सन हो जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो। तो इसमें क्या होता है, लो मैन पावर, यानी कि एक ही बंदा बनाएगा। अगर आप सोचोगे कि पूरी टीम वर्क करें तो आप नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जो दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है। स्पाइरल में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका, क्योंकि आप टीम वर्क होता है इसमें। स्पाइरल मॉडल की बात करते हैं हम, तो यहां पे इट सपोर्ट कस्टमर फीडबैक, और यहाँ पे हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि टीम वर्क होता है। तो आपने क्यों यूज किया है, क्योंकि आपके पास एक लो मैन पावर है, आप अकेले हो, सिंगल काम करने के लिए हो, यहाँ पे आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, दैट्स व्हाई यू यूज वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, कंपनीज में हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं जब हम हाई मैन पावर पे होते हैं। तो कोमो मॉडल एंड इट्स बेनिफिट, ये होता है कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मॉडल। कॉस्ट को हम निकालने के लिए यूज करते हैं कोकोमो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मॉडल, यूज टू कैलकुलेट ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं उसमें कॉस्टिंग के लिए, निकालने के लिए। जैसे कि ड्यूरेशन हो गया, मैन पावर कितने लगे, उनकी कॉस्टिंग होगी, ड्यूरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, सिस्टम के चार्जेस होंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड होंगे, मिसलिनियस चार्जेस भी ऐड होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कैलकुलेशन होती है, उनके अलग अलग बने होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसपे हम लोग ये सारे एक्सपेंसेस डालते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस डालते हैं, तो वो कैलकुलेट करके प्रॉपरली निकाल देता है कि इसका ओवरऑल कॉस्ट ये होगा, राइट? दिस इज कॉल्ड कोकोमो। नाउ कैंडिडेट की मतलब यूनिक की मीन्स यूनिक, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब फॉरेन की। अगर वो बोलता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, तो आप बताओगे सर ये फॉरेन की होती है, फॉरेन की। और सुपर की मतलब प्राइमरी की विद सम अदर की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की विद सम अदर की एट्रीब्यूट, एंड उसके बाद क्या है, प्राइमरी की तो आप जानते ही हो, और अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है कि आफ्टर असाइनिंग प्राइमरी की द रेस्ट यूनिक कीज इज कॉल्ड अल्टरनेट की। हाँ, रिमेनिंग, यस यस, आफ्टर
हेलो हेलो, हाँ मॉर्निंग रवि। हाँ कौन? हाँ बोलिए, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। क्या कह रहे हो रवि? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई नहीं, अभी हूं मैं, 2 घंटे हूं अभी। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमरी की द रेस्ट रेस्ट यूनिकीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट की। ठीक है ना? ऑल्टरनेट या और ये क्या, नॉर्मलाइजेशन तो बता दिया आपको, डीसीएन भी बताया आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम? डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। ग्राफिकल सॉरी, डेटा फ्लो डायग्राम है ना, तो इसको पिक्टोरियल बोलोगे। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। और इसके नॉर्मल फॉर्म्स होंगे, ड्रॉ करने के लिए आपको बोलेगा फर्स्ट लेवल, जीरो लेवल, कॉन्टेस्ट लेवल, इनमें से कोई भी, यानी कि स्टार्टिंग के आपके डीएफटीज जो हैं, कॉन्टेस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उनको आप थोड़ा सा बना लोगे, उसको समझ लोगे, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि आप बताओ कि इसमें ये मुझे बना के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन हो रहा है। नहीं, दोनों अलग होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कॉन्टेस्ट और दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट का होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम। कॉन्टेस्ट लेवल में इट शोज ओवरऑल कॉन्टेस्ट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। लेकिन जीरो लेवल में क्या होता है? इट शोज ऑल इनपुट्स एंड ऑल आउटपुट्स, ऑल इनपुट्स एंड ऑल आउटपुट्स, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया, जैसे मान लो एक सिस्टम है, हम मुझे ओवरऑल देखना है कि इसकी वर्किंग क्या है, मतलब व्हाट इज द सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम क्या है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट लेवल में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल पार्ट में देखना चाहते हैं कि कितने मॉड्यूल्स हैं और कितनी फंक्शनलिटी इसके अंदर में है, तो उसके लिए हमें जीरो लेवल देखना होगा। व्हाट इज कंपाइलर एंड विच कंपाइलर डॉट नेट यूज, तुमने जो यूज किया है कौन सा कंपाइलर यूज किया है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट, है ना। और हम लोगों ने जो यूज किया है डॉट नेट का, विजुअल स्टूडियो का कौन सा वर्जन है आप लोगों में लिखा हुआ? विजुअल स्टूडियो अगर हमने 2015 यूज किया है, तो या सेस जो भी यूज किया होगा उसका एक अलग अलग फ्रेमवर्क होता है, वो हमें देखना होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे डॉट नेट पे कंपाइलर के बारे में आप बता दो कि डॉट नेट यूज टू कंपाइलर्स, डॉट नेट यूज टू कंपाइलर, एक है सीएलआर जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम,
कॉमन लैंग्वेज लैंग्वेज रन टाइम, राइट। और दूसरा होता है जेआईटी, जेआईटी को क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। ये दो कंपाइलर होते हैं डॉटनेट के यूज, डॉटनेट के अंदर में कंपाइलर। सेवेंटीन यूज किया, ठीक है, सेवेंटीन यूज किया है तो आपको उसके हिसाब से फ्रेमवर्क बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेमवर्क वाला, तो 17 यूज किया है तो उसका फ्रेमवर्क होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो बता पूछना है, आप पूछ रहा है कि फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज फ्रेमवर्क। इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सर्विसेस ठीक है, एंड आई हैव यूज, तुमने यूज किया है 17 ना, तो 4.6.1 ये इसका फ्रेमवर्क है। तो आप लोगों को देखना होगा कि जो भी आप लोगों ने यूज किया है उसका एक अलग अलग फ्रेमवर्क होगा जो उसमें मेंशन है। अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ विजुअल स्टूडियो पीएस 2017 के लिए है। उसके बाद आगे व्हाट इज सीएलआर एंड जीआईटी, तो बोथ आर कंपाइलर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और ये है जस्ट इन टाइम, ये बोथ आर कंपाइलर है ना। यही सेम क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, बोथ आर कंपाइलर जो सीएलआर और जीआईटी के नाम से है। नाउ डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के उसमें। वैलिडेशन क्या होता है, टू वैलिडेट डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड, टू वैलिडेट डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड, जैसे नेम शुड बी कैरेक्टर, फोन नंबर शुड बी न्यूमेरिक, ये क्या होता है, दिस इज वैलिडेशन है ना। और जो सर्वर के साइड से होता है, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड वेरीफाई होता है ना, जो सर्वर में स्टोर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। टू वेरीफाई डेटा फ्रॉम सर्वर, यानी कि लॉगिन, जो लॉगिन मैकेनिज्म हो गया वो क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन लॉगिन करने से पहले जो आपने इनपुट किया और वो इनपुट अगर आपने गलत फॉर्मेट में डाला है तो वो होगा वैलिडेशन, यानी कि विदाउट एंटरिंग यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो क्या होता है, वहां एक मैसेज आता है ना कि प्लीज एंटर यूजर आईडी पासवर्ड है ना, तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। और आफ्टर एंटरिंग यूजर आईडी पासवर्ड इट विल वेरीफाई फ्रॉम सर्वर, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि आप, तुमने कोई टूल्स यूज किया है क्या रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, तो बोलना कि सर यूज किया है, इसका नाम है क्रिस्टल रिपोर्ट, क्रिस्टल रिपोर्ट है ना, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो टू टायर आर्किटेक्चर यूज किया है, ये रिपीट हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिंगल टायर और टू टायर, चार तरह के आर्किटेक्चर होते हैं ना, सिंगल टायर का नाम है मोनोलिथिक एप्लीकेशन, सिंगल टायर को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक, मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनो का मतलब होता है सिंगल और लिथिक का मतलब होता है एप्लीकेशन। और टू टायर का दूसरा नाम क्या है, क्लाइंट सर्वर है ना, टू टायर का अनदर नेम है क्लाइंट सर्वर। राइट, सब हो ना, सबको सुनाई तो पड़ रहा है ना, सब हो ना, और नमन ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, क्लाइंट सर्वर पे आ गए। देखो इसमें जो मैंने आपको कुछ 30-40 क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें से ना आपको 10 क्वेश्चन ही पूछेगा तुमसे, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो लेकिन आपको प्रिपेयर सारे करने हैं,
ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम बता पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबगिंग एंड टेस्टिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? टू फाइंड एरर्स एंड फिक्स इट, है ना, टू फाइंड एरर एंड फिक्स इट, दिस इज कॉल्ड डिबगिंग। और टेस्टिंग का मतलब टू टेस्ट द इनपुट आउटपुट, टेस्ट द इनपुट आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 32 में, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स यूनिट सिस्टम इंटीग्रेशन। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ओनली इनपुट आउटपुट टेस्ट होता है इसका। ब्लैक बॉक्स की हम बात करते हैं तो ओनली इनपुट एंड आउटपुट विल टेस्ट, ओनली इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि वो ये कौन कर सकता है? नॉन प्रोग्रामर भी कर सकता है, मतलब मैंने बनाया और बना के अपने फ्रेंड को दे दिया कि यार तू टेस्ट कर ले, ये ठीक चल रहा है, तो वो चेक करके मेरे को बता सकता है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, है ना, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। उसके बाद व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स में क्या होगा? ओनली इंटरनल पार्ट टेस्ट होगा, यानी कोड पार्ट, ओनली कोड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल टेस्ट, यानी कोडिंग चेक करेंगे हम यहाँ पे कि प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया ब्लैक बॉक्स में इनपुट आउटपुट में कि क्या कहाँ पे कौन से पेज पे एरर आ रहा है, और व्हाइट बॉक्स में क्या करोगे? उस कोड को टेस्ट करके उसे फिक्स करोगे, राइट। तो ये दोनों काम तुमने किए हैं, तो तुमने यूज किया है ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, यस, तो तुमने ये दोनों काम किए हैं। लेकिन एक कंपनी में तुम जाओगे तो ये अलग अलग टीम करती है ना, तो उस केस में क्या होगा? ब्लैक अलग व्हाइट अलग हो सकता है, हाँ, एग्जैक्टली। यानी व्हाइट बॉक्स बेसिकली हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं और हम ही करेंगे बेसिकली, डेवलपर ही ऑलवेज व्हाइट बॉक्स करेगा, बट ब्लैक बॉक्स कोई भी कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दोनों काम किए हैं, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रे बॉक्स। उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मॉड्यूल वाइज टेस्ट द प्रोग्राम, मॉड्यूल और फॉर्म वाइज टेस्ट द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को मॉड्यूल और टेस्ट उसमें ही तो करोगे ना, एक एक मॉड्यूल लोगे टेस्ट करोगे, एक एक मॉड्यूल लोगे टेस्ट करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा? सारे मॉड्यूल को एक साथ इंटीग्रेट कर दोगे और फिर टेस्ट करोगे, टू टेस्ट द इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन द मॉड्यूल, है ना, ये दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है? सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करेंगे? सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि सिस्टम की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए ओके है कि नहीं है, है ना, टू टेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, है ना, क्योंकि हमारा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारी चीजें, यानी रन कराने से पहले आप सिस्टम टेस्टिंग करोगे, सिस्टम को चेक करोगे, इवेलुएट करोगे, देन उसके बाद उसको रन कराओगे, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताओ ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बीच में, डिफाइन द स्पेसिफिक कोड। तो देखो अगर आपको कोड के बारे में बोलता है तो वहां पे आप बोलना सर आई हैव यूज ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग, आई हैव यूज ट्राई कैच
एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट टू मैनेज ब्लैक बॉक्स सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, ट्राई कैच के अंदर में अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करोगे ना, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आप ट्राई कैच यूज करते हो, तो आपके कोड्स को जो भी एरर आएगा आपके प्रोग्राम में, तो उसको वो कैच करेगा और कैच करके सिस्टम को, यूजर को एप्रोप्रिएटली वो शो कर देगा, तो जिससे कि आप उसमें दिखा सकते हो इसके बारे में। देन उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, शेड्यूलिंग मतलब पर चार्ट एंड गैंट चार्ट, ग्रैंड चार्ट है ना। तो बेसिकली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इट इज अ टेक्निक टू शेड्यूल प्रोजेक्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको शेड्यूल करते हैं ना कि हमें कौन सा काम कब करना है, जिसके लिए हम चार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, राइट। तो आप शेड्यूल करोगे कि एनालिसिस मुझे कब से स्टार्ट करना है, कि कब तक मैं एनालिसिस खत्म कर दूं तब मैं डिजाइन स्टार्ट करूं, क्योंकि आपको एक, आपके पास एक टारगेट होता है जब आप प्रोजेक्ट बनाने आते हो, तो आपके पास एक टारगेट होता है कि इट विल बी डिलीवर आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर हमें खत्म करने के लिए एक शेड्यूल बनाना होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। इन दिस प्रोजेक्ट विच टाइप ऑफ शेड्यूलिंग यू हैव यूज, तो आप लोगों ने जो यूज किया है पर्ट और गैंट दोनों किया है, आई हैव यूज पर्ट एंड गैंट बोथ। डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड गैंट के बारे में अगर बोलता है तो यहाँ आपको बताना है, इसके लिए पर्ट बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये हम प्रिपेयर करते हैं बिफोर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, बिफोर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, राइट। प्रोग्राम को बनाने से पहले यूज करेंगे ना, और इट कैनॉट कवर माइलस्टोन, इट कैनॉट कवर माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब मील का पत्थर, मतलब हम यहाँ से आगरा 200 किलोमीटर है हमारे पास, हर एक मील पे एक पत्थर लगा हुआ है, आपको बताया है कि तो आगरा इज 2 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो ये एक का है, क्या है, एक प्री डिफाइंड है। लेकिन पॉट में क्या होता है, पॉट में आप बनाने से पहले एक अज्यूम कर लिया तुमने, 6 मंथ में तुम्हें बनाना है, हो सकता है 6.5 लग जाए या 7 हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली तुमने जो एक आइडिया लिया है कि आपका 1 महीने के अंदर आपका एनालिसिस हो जाना चाहिए, राइट। तो हो सकता है 1 महीने से ज्यादा लग जाए तुम्हें यहाँ पे, है ना, या हो सकता है उससे कम लगे, तो यहाँ पे माइलस्टोन कवर नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैंट चार्ट की बात करते हैं तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर मैं गैंट की बात करता हूँ तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बनाने के बाद होता है। तो गैंट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, सरनेम है उनका, गैंट, पीटर गैंट नाम था उनका, जिनके नाम से ये पड़ा। तो ये बेसिकली इसमें क्या होगा कि होगा आफ्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इट कवर माइलस्टोन। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को बना लोगे उसके बाद उसको बनाओगे कि व्हाट टाइम यू आर गिवन टू फॉर एनालिसिस एंड व्हाट टाइम यू आर गिवन टू डिजाइन, तुम्हारे लिए पूरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक अज्यूम करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या है, यहाँ पे पूरा डिफाइन हो जाए, तुम बना चुके हो उसे, राइट। तो उसके बाद जब तुम एक टेबल बनाओगे, चार्ट बनाओगे, इसका चार्ट बनाओगे, तो तुम इसमें सब सारे फिगर तुम्हें पता है कि एनालिसिस में मुझे 1.5 लगा था, फिर डिजाइन में 2 महीने लगे, यानी इस डेट से स्टार्ट हुआ, इस डेट को खत्म हुआ, है ना। ये चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो गैंट के अंदर, लेकिन पॉट के अंदर नहीं कर सकते, क्लियर है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जब बना लिया है सो तो आपको पूरा सब कुछ पता है ना कि आपने इस डेट से स्टार्ट करी, इस डेट को खत्म करी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है पॉर्ट में, तो तुम्हारे को सिर्फ एक अज्यूम कर रहे हो ना तुम, इसीलिए यहाँ पे कैन नॉट कवर माइलस्टोन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कवर कर रहा है माइलस्टोन, यानी एक छोटा सा पॉइंट भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो कि आपने 10th को सुबह 10 बजे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और आपने जून में सुबह 12 बजे ये प्रोजेक्ट एंड किया था इस डेट को। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, विच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स यू, सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेसिकली क्या, हमारे प्रोजेक्ट को सिक्योर करता है अनऑथराइज्ड यूजर से, है ना, तो इट्स अ मैकेनिज्म टू सिक्योर आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। और आई हैव यूज सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कौन कौन सी आपने यूज करी है, आपसे बोलेगा तो बोलना सर विंडोज सिक्योरिटी यूज करी है, पहले आपने अपने विंडोज को सिक्योर किया है, यानी कि जिस सर्वर में आपका डेटा पड़ा हुआ है पहले आपने उसको सिक्योर किया, उसके बाद आपने एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी यूज की हुई है। एसक्यूएल सर्वर अपने आप में क्या है, एक सर्वर है, तो वहां पे एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी यूज की है डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी भी यूज की हुई है, एप्लीकेशन लेवल में क्या आ रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड, है ना, एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, यानी कि आपने लॉगिन फॉर्म बनाया उसके लिए, यानी जैसे कोई आपके एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा तो वहां पे लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। व्हाट इज नेम स्पेस, नेम स्पेस बेसिकली देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर में, जावा के अंदर में हेडर फाइल्स हुआ करते थे, यहाँ पे नेम स्पेस के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है ना, जो हेडर फाइल होता था ना वही चीज यहाँ पे नेम स्पेस कहते हैं उसको, जावा में हम लोग पैकेज के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेम स्पेस इट इज लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, ये लॉजिकली ग्रुप्ड होता है। इसका एग्जाम्पल के लिए अगर आप तुमसे बोलता है तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यूजिंग सिस्टम इज अ क्लास, सबसे रूट क्लास होता है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो ये एक नेम स्पेस है, ये एक साथ होगा। कोडिंग के पार्ट में अब तुम देखोगे जो तुम्हारे पास में हार्ड कॉपी पड़ी हुई है तो उस कोडिंग में देखोगे सबसे ऊपर क्लास के ऊपर ये लिखा होता है, तो बेसिकली यूजिंग इज अ कीवर्ड, सिस्टम इज द नेम ऑफ क्लास, जिसके अंदर में डेटा नाम का क्लास है, जिसके अंदर में एक एसक्यूएल क्लाइंट है जो कि एसक्यूएल सर्विसेज को दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड नेम स्पेस। ये तीनों को मिला के क्या बन गया, ये नेम स्पेस हो गया, राइट। तो ये तुम्हारे को मिलेगा तुम्हारे एप्लीकेशन में, जो तुम्हारा हार्ड बाउंड है ना उसमें तुम्हारी कोडिंग होगी, तो कोडिंग में तुम ये देखोगे इस तरह की लाइंस प्रोग्रामिंग से पहले लिखी होंगी, और जहां पे प्रोग्रामिंग से पहले लाइंस लिखी हुई है ना उसी के साथ में तुम देखोगे एक वहां पे मेथड्स होंगे, और मेथड के अंदर में सेंडर और ई है, तो ये तुम्हारे तुम्हें कोड में मिलेगा जब तुम्हारी यहाँ पे कोडिंग है, उस कोडिंग के अंदर में सेंडर और ई जो है वो क्या है, सेंडर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, जो तुम कोड होगा तुम्हारा वो है सेंडर, सेंडर इज द इज स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोलोगे स्टेटमेंट और कोड ऑफ द मेथड, एंड ई इज इवेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इवेंट आर्क्स जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ इवेंट आर्क्स, हाँ, ये सारे नेम स्पेस हैं, ये सारे नेम स्पेस। अब उस देखो ये कोई बटन लिखा होगा वहां पे, कोई बटन की क्लिक इवेंट होगा या पेज लोड का होगा, देखो वहां पे ब्रैकेट के अंदर में दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा सेंडर और एक होगा ई, देखो आर्क्स ई, है ना, वो तो जो कोड है स्टेटमेंट का जो कोड है वो इनकैप्सुलेट हो रहा है सेंडर के अंदर, यानी कि जो बंच ऑफ कोड्स तुमने लिखा है ना वो सेंडर के